जो भी आ रहा है सामने उसको दिखा रहा है, चाकू मार रहा है, पूरा कॉलोनी में सबको डरा रहा है। वो उसका कोई गुंडा रास्ता नहीं हुई है, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी माँ, पूरे फैमिली दो नंबर ही काम करते है, वो सबको डराते है, सब भाग गए, इंसान का जान लेके भाग गए। पब्लिक को देख ही नहीं रहा वो, जैसे चलाया जा रहा, चलाया जा रहा, जिस मर्जी को। सवार था किसी तरह, उसको पता नहीं क्या सवार था। उसको सीने में जब चाकू मार, बीच बचाओ के चक्कर में ये सब हुआ। हाँ, मतलब उसको बीच बचा रहे नहीं, उसको तो पहले जान से ही मार रहा था, पता नहीं क्यों क्या बात हो गई, मतलब भूत सवार क्या हो गया पता ही चला ही नहीं। दिल्ली को देश की राजधानी के बाद क्राइम सिटी कहा जा रहा है, कारण है दिल्ली में बढ़ता अपराध। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा, और इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में मौजूद हूं, जहां से खौफनाक घटना सामने आई है। दरअसल एक व्यक्ति पर कुछ हमलावर जो है चाकू से हमला करते हैं, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। मृतक का नाम सहीम बताया जा रहा है और अभी उनके फैमिली वाले मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, जानते पूरे मामले को। साहिद की बड़ी बहन मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? साना। क्या लगता है मैम, किसने हमला किया है आपके भाई पर? जाकिर ने। कौन है वो? जाकिरी है, दरिंदा है। मतलब कोई क्या पहले से रंजिश चल रही थी? नहीं, मेरे भाई से कुछ नहीं, पहले एक जने को चाकू मार दिया। उसको मारा था? भांजा को मारा है, उसका भांजा को चाकू मारा, तो फिर वो जो भी आ रहा है सामने उसको दिखा रहा है, चाकू मार रहा है। पहले से ही आप लोगों को डराया गया था? हाँ, सबको डरा है, पूरा कॉलोनी में सबको डरा रहा है। वो उसका कोई गुंडा रास्ता नहीं हुई है, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन है सहिला, वो भी मिली हुई है। धमकी वगैरह आई थी इससे पहले? सबको दे रहा है धमकी, सबको दे रहा है, उसकी अपनी भांजा को भी धमकी दे रहा है, मारेगा बोला था, अपने भांजा को भी मारा है। भाई का पहले झगड़ा हुआ था उससे कभी? मेरे भाई का कुछ भी नहीं झगड़ा हुआ था, वो तो छुड़ा नहीं। मेरे भाई का कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी उसको मार दो, जिस मर्जी को चाकू दिखा रहा है, मार रहा है लेडीजों को, सबको दिखा रहा है वो। ये घटना किस वक्त हुई थी? ये परसों 5 बजे हुई थी। परसों 5 बजे हुई थी, और आप लोगों को कब पता चला था? हमें 6 बजे पता चला था। साजिद उस वक्त अकेले थे, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया? नहीं, वो अकेले थे। किस जगह पर ये घटना हुई थी? ये एकदम रोड पे, रोड पे हुई थी। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया उस वक्त? सबको दिखा रहा है चाकू, कौन आएगा चाकू के सामने? डर के मारे कोई मदद करने नहीं आया, सबको दिखा रहा है चाकू, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है, पूरी फैमिली गुंडागर्दी करती है। पूरे फैमिली दो नंबर ही काम करते है, वो सबको डराते है, सब भाग गए, इंसान का जान लेके भाग गए सब। उसकी बहन है ना, उसके बहन के घर में भाग गए, सहिला के घर में, उसकी बहन है जो चढ़ाने वाली वही है। कितने लोगों ने हमला किया था? वो दो जने थे, उसके दो भाई, उसकी बहन बहन सब मिली हुई थी, पूरी फैमिली ने साथ मिलकर हमला किया। उसकी बीवी ने ना कपड़ा पहले से पैक करके रखा था कि चाकू मारेगा और हम भाग जाएंगे। पहले से प्लानिंग कर ये सब हुआ है? उन लोगों ने कर रखा था होगा प्लानिंग, हमें तो पता नहीं था, उन लोगों ने कर रखा था, जब ही तो सब कुछ पैक कर रखा था, जब ही तो रातों रात सब गायब हो गए, उसके बहन के घर में सब गायब हो गए। किस चीज से हमला किया गया था साजिद? वो उसकी बहन ने दिया था, सहिला ने दिया, चाकू पकड़वाया, की बहन ने चाकू दिया था सहिला ने, वो बड़े बंदे पे रहती है। हादसा होते है किसी ने देखा था वहाँ पर? सब ने देखा था, बहुत सारे जने थे, सब ने देखा था, इन लोगों ने देखा था, उन्होंने देखा था, सब ने देखा था। आप माए, आपने भी हादसा पूरा होते हुए देखा? आपने देखा था ये हादसा होते हुए? अभी पुलिस क्या कर रही है इस मामले को लेकर? अभी हमें कुछ नहीं पता, पुलिस ने बताया कि हमने इतने अपराधियों को पकड़ लिया है, इतने आरोपियों को? नहीं बोला अभी तक। कोई आश्वासन दिया दिया पुलिस ने आप? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, नहीं कुछ बोला, अभी कुछ भी पता नहीं चला। जब ये घटना हुई थी उस वक्त क्या साजिद की सांसें चल रही थी? हाँ। तो कौन से अस्पताल में ले जाया गया? मैक्स में, वहीं पर मौत हो गई थी। मैक्स में मौत हो गई। साहिद के जीजा मेरे साथ मौजूद है, जो साहिद को हॉस्पिटल लेके गए थे। सर, क्या देखा आपने वहाँ पर? ऐसे है, हम घर से आए तो साहिद को चाकू लगा हुआ था, तो हमने सीधा अस्पताल लेके गए, मेरे ससुर, मैं, मेरा भतीजा, तो हम, मेरे सारे मतलब रिश्तेदार थे जितने भी, सारे लेके गए, तो उसके भांजे को भी लेके गए हम ही, चाकू लगा तो लेके गए पहले जगजीवन, जगजीवन से होके, जगजीवन से पट्टी वट्टी लगा के कह रहा है यहाँ नहीं होंगे अस्पताल, सांसें चल रही थी उस टाइम, सांसें चल रही थी, तो अस्पताल में मैक्स में ले गए हम, तो मैक्स में ले जाने के बाद
दो बजे तक तो वो ठीक थे, और एक के तो ऑक्सीजन लगा हुआ था, और ऐसे है वो बात करने की पूरी कंडीशन नहीं थी, सीरियस थी। दूसरा भी फिर सीरियस हो गया, जब ऑपरेशन करने गया दोनों को एक साथ लेके गए ऑपरेशन में। ऑपरेशन के टाइम एक को डेड हो गया, जो मेरा साला था साहित, उसकी डेड हो गई, और दूसरे का तो उसको ऑपरेशन से तो दूसरा कौन है? दूसरा मुस्ताकीन है, उसका उसका भांजा, सगा भांजा है। किसका मतलब? साहित का? नहीं, हमलावर, जिसने जो हमलावर का भांजा है। तो आप हमलावरों के जो रिश्ता है उनको भी लेके गए थे हॉस्पिटल? हाँ, उनको भी हम लेके। दोनों तरफ से लड़ाई हुई है? नहीं, इसके भांजे को उसने चाकू मारा, जैकिन ने उसको चाकू मारा। अब ये मार के तो पब्लिक लोगों ने, तो वो भाग रहा था तो उसको पकड़ लिया, फिर पुलिस वाले को फ़ोन करा। पुलिस वाले तो लेट, वही लेट आते, टाइम पर पहुंचे ही नहीं, टाइम पे तो कभी आते ही नहीं है। तो जब ही जैसे करके बुलाया, फिर आया, उसको पकड़ के रख के, अब पब्लिक है थोड़ी बहुत करके पकड़ के, जैसे भी करके बंद के, पहले हम इसको अस्पताल लेके गए। अस्पताल से फिर जगजीवन से जो ट्रांसफार्म करा, जब जाके वहाँ से सुना, दो बजे के बाद सुबह चार बजे हमारे पास खबर आई है कि साहिद की मौत हो गई। अच्छा, ये घटना के कितने समय बाद फिर आप पहुँचे थे? हम पहुँचे थे हाथों हाथ ही पहुँच गए थे हम साथ। उसी वक्त आपको पता चल गया? हाँ, जैसे हम पाँच बजे, जैसे ये कांड हुआ तो हम घर से आते आते टाइम हो गए, तो छः बज गए थे, तो उसको पकड़ के ले गए, फिर वहीं से गए। सर किस वक्त हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये सामने हुई थी, पहले तो यहाँ पर मारा था ये भांजे, उसके भांजे को। तो सोचा कोई रिक्शे वाला या गाड़ी वाला कोई छटक दिया होगा, इसलिए रिक्शे वाले को पकड़ के रखा था। तो रिक्शे वाला नहीं थे, तो उसने चाकू ना, जैसे पब्लिक को देख ही नहीं रहा वो, जैसे चलाया जा रहा जिस मर्जी को। सवार था किसी तरह? उसको पता नहीं क्या सवार था, और चार पांच जने थे, वैसे चाकू चलाया जा रहा है, और दो नंबर लग रहा है। पूरी प्लानिंग से मारा था? हाँ, पूरा प्लानिंग से मारा हुआ। पहले से रंजिश चल रही थी क्या? नहीं, इनसे कोई रंजिश नहीं चल रही थी, बचाव के लिए गया होगा, चला दिया चाकू का, तो कोई भी आएगा तो लग ही जाता है। इससे पहले कभी लड़ाई हुई थी? नहीं, इससे पहले कभी इनसे लड़ाई नहीं हुई। कोई परिवार वालों को धमकी आई हो? नहीं, कुछ नहीं। उसको सीने में जब चाकू मार, बीच बचाव के चक्कर में ये सब हुआ? हाँ, मतलब उसको बीच बचा रहे नहीं, उसको तो पहले जान से ही मार रहा था, पता नहीं क्यों क्या बात हो गई, मतलब भूत सवार क्या हो गया पता ही चला ही नहीं, उसको मार दिया। जब तक फिर हम आए, फिर अस्पताल लेके गए, पुलिस तो लेट आई थी, जब तक अस्पताल ले गए, यहाँ से लेके फिर हम मैक्स में ले गए, मैक्स में ले जाके फिर वहाँ से लेके फिर देखा, दो बजे तक ठीक थे। बात करे हमने, जब बात करने के बाद जब उसको ऑपरेशन से लाया, केरा डेट हो गया। पहले हमलावरों की कुछ पहचान हो पाई है? कहाँ रहते हैं, कौन थे? इस गली में रहते होंगे। आप लोगों के पड़ोसी थे? हाँ, पड़ोसी मतलब गली सामने रहते हैं। सामने ही रहते? हाँ जी। तो अभी पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस पर, किसी को पकड़ा है अभी तक? अभी पकड़ा नहीं, जिसने चाकू मारा था उसको मारा होगा अभी, वो भी हॉस्पिटल। क्या आरोपी को तो पकड़ लिया? हाँ, क्या आरोपी को पकड़ रखा है? क्या आरोपी हॉस्पिटल में है? हाँ, अस्पताल में है। अच्छा, तो अभी आगे कहा जा रहा है कि मतलब दो तीन से ज्यादा लोग थे जो हमलावर थे? हमलावर। बाकियों को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। अभी क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपके परिवार? कुछ भी नहीं आशा दिया जा रहा, बस ये है, बॉडी लेके गया, अभी आपको दिखाया था मैंने फोटो से, बॉडी दिखाया अभी लिया, तो कह रहा है आज पता नहीं क्या है, तो वो कह रहे कल देंगे। जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि हमलावरों की पूरी फैमिली ने एक तरीके से इलाके में खौफ मचा रखा है, ये बात सच है? सच है जी, खौफ सच है पूरा। इनकी तो यहीं पर रहते हैं? नहीं, आप यहीं पर रहते जी? जैसे कि आज कहा जा रहा है कि जो हमलावर का परिवार है उसने पूरे इलाके में खौफ मचा। मैं देखो, मैं मेरे लड़का को लेके घर से बाहर आया, ठीक है, तो साहिद खड़ा हुआ था, तो साहिद से बात कर रहे थे हम, तो मेरे लड़का को हाथ पकड़ के मैं खड़ा हुआ था, तो पीछे से आवाज़ आया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो हमने समझा कोई गाड़ी वाले ने ठोक के भाग रहा है, तो हमने जाकर बैटरी इसका लगा पकड़ लिया, तो पीछे मेरे पीछे चाकू लेकर भागा वो, जाकर मेरे पीछे भागा, तो मैं बचाव के लिए कभी मेरे यहाँ करने जाए कभी यहाँ करने, मैं भाग रहा, मेरे पीछे चाकू लेकर भाग रहा है, मैं क्या करूँ, तो इस टाइम साइड हो गया, तो साहिद को चाकू मार दिया उन्होंने, सीधा छूटते यहाँ पर सीने में चाकू मार दिया। तो वो पहले से ही साहिद के पीछे पड़े थे? नहीं, मतलब यहाँ से आवाज़ आया पकड़ो पकड़ो, हमने ये सोचा जो एक्सीडेंट हो गया, हम गाड़ी वाले को पकड़ने गए थे, लेकिन हमें क्या पता जो चाकू लेके किसी को मारने गया ये, वो चाकू मार के भाग रहा था, लेकिन हमें नहीं पता वो भाग रहा चाकू मार के, लेकिन हमें पता कि गाड़ी वाले ने ठोक दिया होगा, हम पकड़ने जा रहे थे गाड़ी वाले को, लेकिन वो चाकू घुमाया जा रहा उल्टा सीधा, वो मेरे पीछे भागा, फिर मैं तो साइड हो गया, फिर एक बार घुमाया पीछे साइड हो, फिर साहिद बीच में साहिद को लग गया चाकू। मतलब साहिद को किसी और को मारने गए थे लेकिन बीच बचाव में फिर साहिद ने जैसे उसको मारा था ना, तो उसको उठा के लेके जा रहा था, तो उनने देखा कि मुझे मेरे पीछे आ रहा भागने,
तो इन्होंने रिक्शा पकड़ लिया, तो ये भी था, तो इनने क्या करा, ये पीछे हट गया, भाग गया ये भी, तो फिर वहीं खड़ा हो गया लड़के को लेकर डर के मारे। तो फिर और पब्लिक भी से दूर हो रहा है, वो दो हाथ से दोनों चाकू तो थे, चाकू बरामद है पुलिस वाले के पास ही है। हमलावर अंधाधुंध चाकू मार रहा था, अंधाधुंध मारे जा रहे हैं, बच्चा छोटा कोई भी, बच्चा छोटा लगने लगने चाहिए, नहीं देख रहा हूँ, छोटा बच्चा, लोग भी घायल हुए हैं इस घटना में। इसमें एक तो जो है वो तो अभी मैक्स में है, आईसीयू उसमें है, एक का डेट हो गया, एक एडमिट है अभी तक भी, और बाकी छोटी मोटी चोट तो लगी है सब, अब वो दिखाई ऐसे कैसे दिखा नहीं जाए, इसलिए इस चक्कर में बाकी इनको तो बहुत परेशानी है, ऐसी है बात है। मैक्स में लेके भी गए तो वहाँ तो ऐसी बात है, कोई ना किसी को देखने दे रहे ना क्या हो रहे, ऑपरेशन हुआ कुछ हुआ, गया सही सलामत था, पता नहीं क्या हुआ क्या। वैसे काम क्या करते शायद का काम कलकत्ता से आया था, ये रहा इसकी बीवी आ जाइए है, वैसे कलकत्ता में काम करता है वो, टाइल वाले के जो टाइल वाले होते नहीं है, बच्चे भी हैं, हाँ दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। शादी को कितना टाइम हो गया? कम से कम मतलब छोटे बच्चे हैं दोनों, हाँ दो छोटे बच्चे, 6-7 साल हो गए। सर क्या मांगे आपके, क्या चाहते हैं? सर ये तो मेरी वाइफ मेरी सास इनकी भी इनकी बीवी भी यही चाहेंगे जो है, अब बस वही मुजरिम पकड़ा जाए अच्छी बात है, बाकी उनकी फैमिली जो साथ दे रहे हो उनके, बस हम तो चाहते हैं कि कानून हमारे साथ दे बस थोड़ी बहुत, आपकी यही बस और कुछ नहीं चाहते हम तो यही आपसे उम्मीद रखते हैं कि बस आप भी जो है अब ये पूछे हो, अब कम को तुम्हारे साथ ही ये बात बोल ले, उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी ना, वो वाला बाप चला जाएगा तो कुछ रहता, बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब, बीवी की भी ज़िंदगी ख़राब, अभी समझ लो इसके साथ और किसी का साथ भी कर सकता है। फिर वो बात तुमसे बोले हमने, कल को हमारे साथ ना वो कर दे, ये बात हमसे तुमसे बोल ले, कल को कोई फिर पुलिस ना फिर देर में आएगा, फिर हमारे साथ कुछ हो जाएगा कल को, एक तरीके से दहशत में आप वही चीज़ तो इसी चलाएगा तो डर नहीं लगेगा, इसी चक्कर में कोई बोलना नहीं चाह रहा डर के मारे, कल को फिर आ जाए, फैमिली बड़ी है उसकी, क्या कर सकते हैं, डर के मारे कोई बोल भी नहीं पा रहे। सर आपका नाम? शेख मुस्लिम। सर आपके भाई पर हमला हुआ था, क्यों हुआ था? पहले उनका भाई को मार रहे थे यहाँ पर सुबह, तो मेरा भाई को वो अपना जाकिर अपना भाई को मार रहा था, तो मेरा भाई गया, मेरा भाई बोल रहा था, बोला क्यों आपस में लड़ाई करो, और जाकिर ने बोला तेरे को भी देख लूँगा, तो मेरा भाई अपना लड़की का छोटा लड़की है उसका चीज़ लेने गया वहाँ पर, तो पीछे से आके चाकू चला दिया, तो यहाँ से स्कूटी से आ रहा था, तो कालू यहाँ पर बैठा हुआ था, जब बोला यहाँ पर पकड़ ले तो कालू को भी हमला कर दिया यहाँ पर, और जो भी लड़ाई सुलझाने आ रहा था वो सब पे हमला कर रहा था, सबको चक्कू मार रहा था, और तो क्या नाम है उसका बहन का नाम सहिला, वो चक्कू मार दिया तभी भी हमको नहीं चाकू दिया था, हाँ उसका बीबी भी मिला हुआ था और उसका बहन बहन सब मिला हुआ था, तो यहाँ पर चाकू मार दिया और उन सब वहाँ से लड़ाई करना हमसे लड़ाई करना आए यहाँ पर, क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है इन हमलावरों का, हाँ पहले हमला कर चुके हैं इससे पहले इस इलाके में, हाँ पहले भी कर चुके हैं ये सब। कोई सीसीटीवी वगैरह आई है सर सामने? नहीं नहीं, यहाँ पर अभी तक पुलिस ने कोई सीसीटीवी नहीं निकाला। सीसीटीवी कहाँ है झुग्गी में सीसीटीवी कहाँ है? फिर भी सर सरकारी हर जगह लगे होते हैं सर, वैसे ही खराब है, खराबी दिखाते हैं कभी चला ही नहीं। सर पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? तो कार्रवाई होना चाहिए, आप चाहते कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई हो, बस ये है कि आपकी तरफ से कि देखो कि कोई कुछ, अब ये जैसे हमने बोला उसका भाई का नाम फरीद है, एक का नाम अहमद है, एक का नाम मोहम्मद है। कितनों को पकड़ा पुलिस ने? एक जने को ही पकड़ा, जिसने हमला किया था उसको पकड़ लिया, हाँ वो थे तो 3-4 जने वो भाई सारे, मर एक को पकड़ा अभी, बाकियों की तलाश में, हाँ बाकी को तलाश में, जिनने मारा वो भी था और वो जो साथ में भी थे ना वो भी थे, वो लोग कह रहे कि तू हमें पकड़ेगा, ये कह रहे हैं ना जो बोल नहीं पा रहे ना, कह हमें भी पकड़ेगा, तो वो अनाधुंग बोला घुमा इनको सबको, जिसको लगना है लगने थे, हम तो चले जाए, इंसान की कीमत ही नहीं है, इंसान की उनके नज़र में कोई कीमत ही नहीं थी, वो कुछ की कोई नशा मसा करके रखा होगा, वो देख ध्यान में नहीं है, चलाया जा रहा जो भी आ रहा चलाया जा रहा है, मतलब जैसे बच्चे ऐसे खड़े हैं ना आगे यार, कोई मतलब ही नहीं रख रहा, जैसे बच्चे खून सवार था, हाँ हाँ
तो यहाँ पर आपने देखा कि जहांगीरपुरी में कितनी बड़ी वारदात हो गई। साजिद पर जो है एक व्यक्ति जो है चाकू से हमला करता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। साहिद के दो बच्चे भी हैं, दो छोटे बच्चे जिनके सर से जो है पिता का साया जो है छिन चुका है। अब ये अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है कि कैसे उन बच्चों का पालन पोषण होगा, कौन उन बच्चों का ध्यान रखेगा, क्योंकि इस घटना की वजह से बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। अब यहाँ पर फैमिली वालों का बस यही कहना है कि उन आरोपियों को जो है पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।